हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि काफी अब देखो यार सीए मतलब टाइम आ गया है जब आप सीए आर्टिकल्स एज सीए आर्टिकल हायर होंगे, या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन गए हैं तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर होंगे। तो कई लोगों का डाउट आता है कि क्या मुझे बिग फोर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना हुआ है बिग फोर या बड़ी जो फर्म्स होती है उनका कल्चर ऐसा होता है वैसा होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अपने मतलब आप कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, इवन कल ही मैं एक 1-to-1 ले रहा था, 1-to-1 सेशन ले रहा था, तो उसके अंदर भी ये सेम सवाल आया था। इवन यूट्यूब पे भी मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे क्या बिग फोर ज्वाइन करना चाहिए, बड़ी फॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एज एन आर्टिकल मैंने सुना है कि मैं अपनी आर्टिकलशिप को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मतलब सीए फाइनल्स को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, एंड वगैरह वगैरह काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सोचा इसके ऊपर पूरी एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बना दी जाए, सो दैट आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, अगर मैं वन वर्ड में अगर आपको आंसर दूं, तो डेफिनेटली यू शुड वर्क फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। उसका रीजन क्या है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन यू शुड वर्क, ठीक है। अगर जो कंक्लूजन जानने आए हैं उनको कंक्लूजन मैंने बता दिया, अब क्यों करना चाहिए उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। देखो यार, सबसे पहली चीज, मैंने खुद 1 साल 4-5 महीने अराउंड मैंने बिग फोर में काम करा है, और मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैंने अपने अंदर काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट देखी है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखे हैं अपने अंदर, ठीक है। जैसे अगर आप बात करो प्रेशर हैंडलिंग, टीम को किस तरीके से मैनेज करना है, आपको एफिशिएंट किस तरीके से बनना है ना, आपकी जो नॉलेज है वो इनहेंस हुई, मतलब किस हर एंगल से अगर आप मेरे को देखो ना, तो मैंने ओवरऑल अपने आप को डेवलप करा उस 1 साल 4-5 या 4 महीने के अंदर अराउंड, मैंने अपने आप को काफ़ी डेवलप करा उस फर्म के अंदर, बिग फोर फर्म के अंदर, और मेरे को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले। तो मैं उसको देखते हुए, उस एंगल को देखते हुए अगर आप देखो, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने बता रखा है कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मैं आई बटन में डाल भी दूंगा उसको, अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो। ऑब्वियसली देर आर सम यू कैन से कि कुछ हैं उसके अंदर शॉर्टकमिंग्स भी हैं, जहाँ पर एक आप सुनते हो कि प्रेशर होता है, यस प्रेशर होता है, बट एज एन मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर मैं बात करूँ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबसे पहले तो अगर मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूँ, यार अभी प्रेशर हैंडल नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना। तो सीखने का यही टाइम है। तो इनिशियली मैं कहूँगा कि अगर आपको फाउंडेशन बनानी है, सबसे पहले अगर आपको फाउंडेशन बनानी है चीज़ों के अंदर, अगर आपने आर्टिकलशिप बिग फोर से नहीं करी, तो पहले मैं उनके लिए बोलूंगा, अगर आपने आर्टिकलशिप बिग फोर से नहीं करी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो यार अगर आपको फाउंडेशन बनानी है तो बिग फोर या बड़ी फर्म से बेटर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं हो सकता आपके पास। और बड़ी फर्म में भी अगर आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल में जाना चाहते हो, किस में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आप टैक्सेशन ऑडिट जिसमें भी आप जाना चाहो, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यू शुड गो फॉर ऑडिट। अगर आपका ऑडिट में जाने का मूड है सबसे पहली बात, तो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ऑडिट। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑडिट के अंदर यार आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोगों से मिलते हो, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो, एक जगह पे बैठे नहीं रहते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारी प्रोसेसेस समझते हो कंपनी के, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है आपकी कंपनी को समझने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें डेवलप होती है, ठीक है। लोगों से मिलते हो, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ठीक है, किस तरीके से उठना है बैठना है, किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है लोगों के सामने, उन सारी चीज़ों के अंदर आप देखोगे कि आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके डेवलप होती है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपको कुछ टाइम के लिए, आपकी फाउंडेशन बनाने के लिए एटलीस्ट, आप भले वो जो मर्जी जितना मर्जी पीरियड समझो। देखो यार, मुझे लगता है कि मेरे जो सीनियर्स थे मेरे को काफी अच्छे मिले थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को काफी हेल्प मिली थी, मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने काफी हेल्प करी थी मेरी फाउंडेशन बनाने के अंदर। तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने जल्दी फाउंडेशन बना ली, या फिर जो मर्जी आप बोलो, ठीक है, मेरे को लगता है कि मैंने जल्दी फाउंडेशन बनाकर, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स के ऊपर, बीइंग एन एसोसिएट, बीइंग अ सीनियर एसोसिएट, मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स के ऊपर लीड करता था। तो वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जो डायरेक्टर हैं जो थे उन्होंने मेरे को दी, तो वो अपने आप को मैं उस तरीके से डेवलप कर पाया। अब आपको लगता है कि यार मेरे को 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे अपने आपको फाउंडेशन बनाने के लिए, तो वो अपने आपको टाइम दो, आप जितना भी आपको टाइम लगे, पॉइंट इज आपको अपने आप को डेवलप करना, इनिशियल फेज के अंदर आपको फाउंडेशन, स्ट्रांग फाउंडेशन बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग कर लोगे, और जो कि मेरे को लगता है कि आप, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बिग फोर से बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, अगेन ठीक है, बिग फोर से कोई बेटर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, तो आप एक बार फाउंडेशन को स्ट्रांग कर लोगे, उसके बाद तो यार आप जहां मर्जी जाओ, आप भले ही आपको बिजनेस अपना ओपन करना है, इंडस्ट्री अपनी जानी है, कहीं ना कहीं मैं आपको आज मैं बताता हूँ मेरे को बहुत जगहों पर बेनिफिट मिलता है उस चीज का। तो भले ही आप किस तरीके से, आपको मतलब अगेन किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, किस तरीके से आपको लीड करना है एक जगह पर, ठीक है, काफ़ी जगहों पे आपको वो चीज़ का बेनिफिट मिलता है जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं सिर्फ अपने वर्क कल्चर या उन मतलब काम के अंदर सिर्फ बेनिफिट लोगे, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तो ये बात हो गई। अब अगेन आर्टिकल्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो तो सबके लिए अप्लाई होते हैं, वेदर इट्स अबाउट आर्टिकल और चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी है उन दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे सेम बेनिफिट। बट पॉइंट इज आर्टिकल शिफ्ट के अंदर ये बोला जाता है
भैया उसके अंदर आर्टिकलशिप के अंदर टाइम नहीं मिलता है एंड प्रेशर काफ़ी होता है, लेट नाइट वर्किंग होती है। देखो यार बिल्कुल होती है, ठीक है, लेट नाइट वर्किंग बिल्कुल होती है, लेकिन आप एक चीज़, सबसे पहली चीज़ ये समझो, अगर आप बिग फोर में सेलेक्ट हो रहे हो ना, इसका मतलब आप बिग फोर के कैपेबल हो, सबसे पहली चीज़ तो। और ना मैंने ना कभी नहीं देखा, या मैं बोलूँगा रेयरली मैंने देखा है कि एक बिग फोर का आर्टिकल सीए फाइनल में अटक रहा है। ऑनेस्टली मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, क्योंकि उसने ना वो उसका जो मर्जी बोलो उसका माइंड शार्प है, जो मर्जी आप बोलो, जो मर्जी रीज़न है, बट मैंने नहीं देखा कंटिन्यूअसली किसी, हो सकता है एक अटैम्प्ट में अटक जाए, हो सकता है दो अटैम्प्ट में अटक जाए, बट मैंने नहीं देखा तीन चार कंटिन्यूअसली अटैम्प्ट में अटकते हुए एक सीए आर्टिकल को जो एक बिग फोर से आर्टिकलशिप कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसके पास वो एक शार्प माइंड है, उसको पता है किस तरीके को चीज़ों को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें उसको पता है, ठीक है। आप नंदिनी अग्रवाल का एग्जाम्पल लो, शी वॉज माई जूनियर, शी वॉज इन माई टीम, ठीक है, वो मेरी टीम में ही थी और उसने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेकर आई है एक बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए। तो आप समझ सकते हो मतलब कि ऐसा नहीं है कि सबसे पहले तो वो जीता जागता एग्जाम्पल है, और शी वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट सीए और यंगेस्ट एआईआर वन। तो मतलब पॉइंट इज वहां पर आप देखो कि एक ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ों को आप आपस में मैनेज नहीं कर सकते, बिल्कुल आप दोनों चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो, आप आर्टिकलशिप को ही मैनेज कर सकते हो, आप अपनी स्टडीज़ को ही मैनेज कर सकते हो। अगेन अगर आप बिग फोर फर्म के लिए सेलेक्ट हो रहे हो तो वो कुछ देखकर ही सेलेक्ट करते हैं सबसे पहली बात तो, और अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो तो आपके पास वो माइंड शार्पनेस है, आपको पता है कि दोनों चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है। तो अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा, मैंने नहीं देखा यार किसी को अटकते हुए बिग फोर के अंदर, आपने देखा है तो मेरे को ज़रूर बताना, आपका क्या व्यू है वो ज़रूर बताना, हो सकता है कि मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, बट जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि यार कोई बिग फोर का कैंडिडेट है लटके जा रहा है, लटके जा रहा है। हो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है एक अटैम्प्ट में अटक जाए, दो अटैम्प्ट में अटक जाए, बट उससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि यार बंदा अटके जा रहा है, अटके जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ रहेगी, अगर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बोलूँ तो यस, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग फोर फर्म या जो भी बिग सिक्स फर्म है, जो भी बिग टेन फर्म है, वहाँ पर आपकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ एज अ सी आर्टिकल्स और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी, आप फ्यूचर में इंडस्ट्री जॉब अपना खुद का प्रैक्टिस करनी है, कहीं पर भी आप जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका एडिशनल एज मिलेगा। अगर आप सी आर्टिकल्स हैं तो ऑब्वियसली अगर आप बिग फोर से कर रहे हैं तो फाउंडेशन तो आपकी स्ट्रांग हो ही रही है, प्लस जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको एक एडिशनल एज रहेगा ही, क्योंकि बिग जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी बड़े पैकेजेस मिलते हैं, उसमें मेजरली आप देखोगे बिग फोर के कैंडिडेट्स ही होते हैं जो क्रैक करते हैं इंटरव्यूज को। अगर आप बिजनेस में भी जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका एक एडिशनल एज बना रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया इतने बेनिफिट्स होते हैं आपके, प्रोवाइडेड आप ठीक से आर्टिकलशिप करो, ठीक से आप अपनी जॉब को निभाओ। ऐसा नहीं आप क्रिविंग कर रहे हो पूरे दिन कि यार मैं तो पूरा प्रेशर में रहता हूँ, दो दिन दो क्लाइंट हैंडल कर लेता हूँ। यस प्रेशर रहेगा, प्रेशर बहुत बड़ा मतलब तगड़ा प्रेशर रहेगा मैं कहूँगा, ठीक है, बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ आपको पूरी लाइफ नहीं काटनी है वहाँ पर, मैं खुद आपको बोलूँगा पूरी लाइफ मत काटो यार, कुछ टाइम काम करो, फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग करो, 2 साल 3 साल 5 साल जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको सही लगता है अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करो, शिफ्ट करो, है ना, आपको उस चीज़ का बिग फोर में काम करने का रिग्रेट कभी नहीं होगा, ठीक है, या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का कभी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी जो फाउंडेशन है वो आपको इस तरीके से बिल्डअप कर देगी कि आपको लगेगा कि बस आप ही हो तो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको निचोड़ देती है ढंग से, तो वो जैसे मैंने आपको बताया अगेन काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं आपके। बाकी आपका क्या व्यू है यार वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, मैं जानना चाहूँगा आप सभी लोगों का व्यू, आप सभी जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी तक सबका व्यू जानना चाहूँगा कि आपका क्या व्यू है, मेरे व्यू से आप कितने इंटरलिंक्ड हैं वो मेरे को आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और आपका क्या इसके ऊपर थॉट प्रोसेस है वो भी बताओ। और यार बाकी अभी अभी रिसेंटली हम लोगों ने कोर्स लॉन्च करा है स्टैट ऑडिट के ऊपर, इफ़ यू वॉन्ट टू फॉर अ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो आप उसको भी ज्वाइन करने को कंसिडर कर सकते हैं, है ना, अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है। और अगर इफ यू वॉन्ट कि आपको एक्सेल के अंदर थोड़ी सी मास्टरी हासिल करनी है तो उसके ऊपर भी हमारा एक कोर्स है, तो ये प्रैक्टिकल पूरा प्रैक्टिकल वर्ल्ड के ऊपर मतलब प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन होती है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कहूँगा जो मेरे बिग फोर का एक्सपीरियंस है, प्लस जो अभी भी मैं काम करता हूँ काफी बड़ी फर्म्स के साथ एसोसिएट होकर काम करता हूँ, ठीक है, उनके साथ भी टाई अप्स रहते हैं, तो वही जो मेरी जितना भी एक्सपीरियंस है अभी तक का 5 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर क्वालिफिकेशन, वो मैंने सारा अपना जो एक्सपीरियंस है एक कोर्स के अंदर डाल दिया है। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि उसको जरूर चेकआउट करो एंड होपफुली वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी यार आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।